हेलो दोस्तों, मिशन श्रीमत चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग हरिद्वार से लोकमान्य तिलक टर्मिनल सुपरफास्ट एसी कोच में सफर कर रहे हैं, संयुक्त बस। दोस्तों, उसी कोच में मैं जिस वक्त में सफर कर रहा था, सर्वश्री परम संत परमंश रामकृष्ण दास महाराज जी, हमें उनसे मिलने के हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो केदारनाथ धाम में रहते हैं, और श्री मणिराम दास छावनी अयोध्या अखाड़े से बिलोंग करते हैं। तो हम उनसे कुछ वार्तालाप करने के या रूबरू होने की हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। केदारनाथ धाम में आप कितने साल से वहाँ पे आप मतलब रह रहे हैं? 2006 से। इसके पूर्व महाराज जी कहाँ थे आप? इससे पहले बद्रीनाथ धाम में। तो वहाँ के थोड़ा सा हमें बताया भगवान के क्या लीला है, केदारनाथ धाम कैसे बने हैं और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम क्यों प्रसिद्ध है, तो हमें तो जानकारी दीजिए। बद्रीनाथ धाम की प्रसिद्धि का एक ही कारण है, जब भारत के अंदर बौद्ध धर्म जो है प्रचुर मात्रा में फैल चुका था, तब वहाँ के जो मुख्य पुजारी थे, उन्होंने उस मूर्ति को जो आज जो है बद्रीनाथ धाम में विराजित है, उसको तप्त कुंड में प्रवेश करा के वहाँ से वो भाग लिए थे। फिर आदि गुरु शंकराचार्य वहाँ साधना कर रहे थे, साधना करते हुए उन्होंने भगवान ने उन्हें जो है प्रेरणा दी और कि हम फलानी जगह हैं, हमें निकाल के मठ में जो है प्रतिष्ठित पुनः करा दें। तब आदि गुरु शंकराचार्य ने तप्त कुंड से के बगल में एक तप्त कुंड का जल जाता धारा थी, उसमें से जो है भगवान की मूर्ति को निकाल के उस मंदिर में विराजमान कराया। ये बद्रीनाथ धाम का इतिहास, तो केदारनाथ धाम का थोड़ा इतिहास में बताएं। समय जो है महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप केदारखंड में जाइए, केदारखंड में जाके भगवान शिव के आपको दर्शन होंगे, तब आप जो है ब्रह्म हत्या और पितृ हत्या के दोष से मुक्त होंगे। तो पांडव लोग जब केदारखंड में गए, केदारखंड संस्कृत में कहते बर्फ के दलदल को केदार कहते हैं। अच्छा, केदार कोई मूर्ति का नाम नहीं है। अच्छा, बर्फ के दलदल में बसने वाले भगवान शिव आज केदारनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तब जो है वहाँ केदार खंड में श्रीनगर से पांडवों के पीछे भैंसों का एक झुंड चल रहा था, चलते चलते वो केदार खंड में जहाँ वर्तमान में केदार धाम विराजित है वहाँ जो है पहुँचे। पहुँचने के बाद देखते कि यहाँ शिव कहीं है नहीं, तो उसी झुंड में से इधर उधर घूम रहे भैंसों का झुंड, भैंस में पड़ता भी थे, तो भीम ने कहा कि हम दोनों पहाड़ों पर पैर रखे लेते हुए थे, भगवान जो होंगे तो वो पैरों के बीच से रहे थे। सारे भैंसों का झुंड जो है भीम के पैरों के नीचे से निकल गया। अच्छा, निकलने के बाद एक पड्डा रूपी रह गया वहाँ। जब वो नहीं निकल रहा था तो भीम ने जो है पैर नीचे करके उनको दोनों हाथों से जकड़ा
तो उनका जो है अग्रभाग पशुपत नाथ नेपाल में जो है निकल गया, पीछे का भाग जो है वहाँ विराजित है। तब जो है इन लोगों का मन हुआ पांडवों का कि अगर यहाँ शिव जी जो है अर्ध रूप में विराजित भी है तो इनका जो है मंदिर भी बनना चाहिए। तो मंदिर बने कैसे, इस पर चर्चा होने लगी। तो एक बार क्या हुआ, भीम और मैं राक्षस का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में दोनों की बराबरी रही, हार जीत नहीं हुई कोई। तब भीम ने राक्षस ने भीम से कहा कभी जरूरत पड़े तो हमें याद कर। तब वहाँ उन्होंने मैं राक्षस का आह्वान किया, मैं राक्षस आए तो वो जगह जगह से जो है बड़े बड़े पत्थर और चटाने लाए और भीम ने उनको जो है सेट करके उस मंदिर का निर्माण। मणिराम दास छावनी अखाड़े में अंदर अयोध्या में आप और भी रहे हैं, आप वहाँ पर क्या सिद्धांत था बताइए आप हमें। देखो सभी अखाड़े का अलग अलग सिद्धांत होते हैं। देखो हमारे यहाँ क्या है, मणिराम दास छावनी में और रामानंदाचार्य जी दक्षिण भारत में संत हुए और इसी परंपरा में बाबा रामदास जी ने बाबा रामदास जी के शिष्य रामानंद संप्रदाय के भी थे और रामानंदाचार्य जी भी उसी परंपरा से शिष्य। रामानंदाचार्य जी उत्तर भारत को बिलोंग करते थे, बकाया स्थान महापुरुष ने दक्षिण भारत को बिलोंग करते थे। इस परंपरा में भी आपस में जब नहीं बनी अपने अपने सिद्धांतों को तो अखाड़े की उत्पत्ति हुई फिर यह बाबा रामदास जी ने कहा कि आप जो है उत्तर भारत में जाओ, इन लोगों को ज्ञान मार्ग करने को अपना, तुम जो है नाम की उपासना जो है लोगों को। अच्छा, तब जो है सबसे पहले आचार्य श्री रामानंदाचार्य जी काशी आए, दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत जी जी काशी में उन्होंने द्वादश शिष्यों को तैयार किया, उसमें पीपा भी थे, रविदास भी थे, कबीर भी थे। तो इन्होंने सीताराम नाम की उपासना पूरे उत्तर भारत में क्या बाद में दक्षिण भारत में भी फैलाई। तो इस परंपरा में क्या है कि भक्ति मार्ग पे लोगों को ले जाना है, और भक्ति मार्ग पे ले जाने का एक ही कारण है कि दूसरे धर्म के लोग भारत में धर्मांतरण करा रहे थे। तो अब जो है हिंदुओं को संचित कैसे किया जाए, तो हिंदुओं को संचित करने के लिए इन्होंने एक प्रेरणा लोगों में डाली। इसके बाद जो है तुलसीदास जी प्रकट हुए, और तुलसीदास जी ने जो है रामचरित मानस का जो है रचना करके और हिंदू को संचित करने की कोशिश की। ये नहीं था कि केवल धार्मिक ग्रंथ ही है, वो केवल हिंदुओं को संचित करने का एक माध्यम बनाया था, माध्यम बनाया रामचरित मानस के द्वारा। तो वो गांव गांव में जो है एक जगह बैठ के कोई मंडली जो है तो वो हिंदू जो है फिर धीरे धीरे संचित होता है। उन्होंने जो है भक्ति मार्ग मार्ग भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ाने का एक ही कारण है, अशांत मन को शांति की ओर ले जाना। जी तो उपासना जो है बहुत से लोग जो है निराकार की बात करते हैं, बहुत से लोग साकार की बात करते हैं। जी तो हम साकार और निराकार दोनों से हट के बात करते हैं। जी क्योंकि बिना साकार के निराकार संभव है नहीं। मैंने भी एक अनुरोध किया था
तो महाराज जी का यही कहना था कि जब तक हम उसको साकार रूप नहीं देंगे तब हम किस तरह हम उपासना करेंगे। तुलसीदास के बाद कबीरदास ने दूसरे तरह के दोहे के रूप में उन्होंने समाज को जागृत किया है। और वो सूरदास आए, मीरा आए, हाँ, उन्होंने सब में भक्ति मार्ग को अपना के परमात्मा सत्य है। हाँ हाँ, परमात्मा सत्य है, और उस सत्य से सबको जोड़ने की कोशिश की। और देखो परमात्मा जो है सत्य है, जिस तरीके से गंगा जी है, गंगा जी के सैकड़ों पुल है। जी जी, आप कोई भी पुल पार करोगे, गंगा जी को पार करो, गंगा जी पार कर, आप किसी भी माध्यम से उस परम तत्व की ओर जाएं, आप पहुंचेंगे। आप जो आप गुरु शंकराचार्य ने चार मठों की स्थापना की, उन मठों में रहने वाले आचार्यों का दायित्व था कि समाज के उन तत्वों में जाएं जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं, धर्म को वो समझते हैं। आप धर्म की परिभाषा और ज्ञान में समझा। इसके बाद यही काम रामानुजाचार्य जी ने किया, यही काम रामानुजाचार्य जी ने किया। आचार्यों का दायित्व जो था कि धार्मिक मतलब जगह जगह जाके धर्म का प्रचार करें। इन महापुरुषों ने जगह जगह मठ बनाने के बाद मठों में रह गए, जहां भक्तों ने बुलाया केवल वही प्रचार करने गए, जहां वाकई धर्म के प्रचार की आवश्यकता थी उन क्षेत्रों में ना जाते, चंद तीली पतों के चक्कर में उलझ किए। क्षेत्रीय वक्त मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों में सब जगह धर्मांतरण हुए, और इस धर्मांतरण के हम दो लोगों को दोषी मानते, चारों मठों को और आचार्यों, क्योंकि आचार्यों का दायित्व था कि ये उन क्षेत्रों में जाकर काम करें। इसके हम कुछ देखते, जैसे भारत सेवाश्रम है, रामकृष्ण मठ है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे दयानंद सरस्वती जी का जो आर्य समाज है, एक कुछ हद तक इस क्षेत्र में काम शुरू से उन लोग कर रहे हैं। लेकिन ये चार मठों ने इस क्षेत्र में काम, जैसे उनका आश्रम कहीं बैकवर्ड एरिया में उनके है, तो काम कर भी रहे हैं लोग, अच्छे मतलब काम कर रहे हैं उन लोग, गरीबों को हेल्प करना, सहायता करना, आदिवासी लोगों से समाज से जोड़ना है। लेकिन ये बहुत देर में हुआ ना। अच्छा, ये सब देर में हुए, बहुत देर में हुआ। हाँ हाँ, इसकी जिस दिन हमने देश की आजादी ली, कश्मीर में कितने परसेंट हिंदू था हमें कोई बता दे? सही सही। अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, यहाँ कितने परसेंट हिंदू था? धर्मांतरण हुआ, ईसाई जो लोग बने, और भारत में ईसाई मुस्लिमियत धर्मांतरण करा रही। क्या सत्ता में बैठे लोग क्या कुंभकर्णी नींद में सब सोए थे? लेकिन महाराज जी, तो हम तो राजनीति से हट के बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि समाज में शिक्षित महत्व बहुत कम होने के कारण ये बाधा रही। अब नई पीढ़ी में 1-2% शिक्षित महात्मा आ रहे हैं, तो वो जो है काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी होना चाहिए। आप मठ इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? ऐसा है कि हमारे गुरु जी जो है राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, और शायद हिंदुस्तान में छुआ छूत की परंपरा को अयोध्या जैसी जगह में सबसे पहले तोड़ने वाले हमारे महाराज जी। आपके महाराज जी, क्योंकि महाराज आपको महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को बताएंगे नाम क्या है? श्री नित्य गोपाल दास। श्री नित्य गोपाल अभी है राम जन्मभूमि न्यास के आज भी अध्यक्ष। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने।
हाँ, तो आगे आप जो मैंने बीच में आपको रोका, तो महाराज जी ने छुआछूत को तोड़ने में बहुत बड़ा सहयोग किया। हाँ हाँ, और जो संप्रदाय या धर्म की सेवा ना करके मानव सेवा पर तो आज भी कभी उनके आश्रम में किसी भी संप्रदाय का कोई भी साधु पहुंच जाए, पंगत में बराबर बैठेगा, किसी से संप्रदाय किसी से आधार द्वारे तो कोई चर्चा नहीं होती, सिर्फ आओ भोजन करो। तो दूसरी बात, हम लोग जो पश्चिमी में जा रहे हैं, पश्चिमी जाने के बाद एक मान के कोई बच्चा अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया, वो कंट्री में ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर वो वापस लौटता नहीं है, फिर वहीं का वहीं बच जाता है वो। उसका कारण के पैसे की दौड़ में इतनी बुरी तरीके से समाज अंधा होता जा रहा है कि वो अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन अब थोड़े टाइम से देश भी थोड़ा अच्छी तरीके से विकास कर रहा, तो धीमे धीमे बाहर जाने वालों की संख्या घटी। और प्रधानमंत्री भी जी भी कई बार उस क्षेत्र में काम करते हैं, उनको बुलाते हैं, भैया एनआरआई के तुरंत बल्कि आप आइए हमारे यहीं पे, आगे जो भी करना यहीं करिए आप। लेकिन अभी तक वो कार्यान्वित तो हो ही, मतलब बहुत ही कम हो रहा परसेंटेज। हाँ, अभी हम विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था है, जब हम तीसरे पे आ जाएंगे तो लोगों का भागना शुरू होगा। और हो सकता है कि हम तीसरे से तीसरे पे आने के बाद दूसरे पे बहुत जल्दी आ जल्दी आ जाए। मेरे ख्याल से कोरोना काल में बहुत जो बाहर जो लोग बसे थे, काफी हद तक बच्चे अपने स्वदेश में लौट आए थे, लेकिन फिर दोबारा उनका जाना हो गया। कारण कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डाउन हो, इसपे कैसे देश चल रहा था, मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, नहीं नहीं हाँ, वक्त को दोष दूंगा, हाँ, तो वक्त ऐसा था। हाँ, समाज के सर्वांगीण विकास की वजह से लोगों की जब सोच बढ़ेगी तो समाज का विकास होगा, तो राष्ट्र का विकास होगा। बहुत अच्छी बात है महाराज जी, यहीं पे अपन अपना कथा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।